हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। इसकी हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे। पहले हमने क्रैश कोर्स इसकी देख ली है, अब हम इसकी शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हैं, वो भी एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी को ही इतना वेटेज क्यों दे रहे हैं? आपको पता होगा कि नीट में जो 90 क्वेश्चंस बायो के आते हैं, 90 में से 70 to 75 क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी के होते हैं। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं होता तो आप पिछले 5 साल के पेपर उठाकर देख लो और एनसीईआरटी लेकर बैठ जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी से ही पेपर बनाए जाते हैं। यहां तक मैं बोल रहा हूं कि एज इट इज एनसीईआरटी से पूछी जाती है। इसमें मैंने दो हाइलाइटर को यूज किया है द लिविंग वर्ल्ड में, एक तो रेड हाइलाइटर, जिससे वो चीज मैंने डिनोट किया है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है येलो हाइलाइटर, इससे मैंने वो चीज हाईलाइट की है जिसकी प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में आने के लिए। तो एनसीईआरटी पे आपका एक अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आप नीट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर 600 प्लस की बात करें तो एनसीईआरटी की कम से कम आपको एटलीस्ट 10 रिवीजन होनी चाहिए, 10 बार आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होने चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। कहाँ पे कौन सी लाइन लिखी है, कहाँ पे कौन सी वर्ड है, डायग्राम है, आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो पहली पैराग्राफ है द लिविंग वर्ल्ड की, पहले मैंने आपको बताया था इससे लगभग मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2016 में ही, एक क्वेश्चन नॉर्मल इससे पूछे जाते हैं, वेटेज तो है इस चैप्टर की। तो ये जो पहली पैराग्राफ है, पहली पैराग्राफ अगर कोई टैक्सोनॉमिस्ट के पर्पस से देखें, टैक्सोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो ये लिटरेचर बहुत अच्छी है, लिटरेचर में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर एक नीट के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इससे क्वेश्चंस नहीं पूछी जा सकती, इससे कोई भी क्वेश्चन डिजाइन नहीं हो पाता है। इसमें जो हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट में जो पढ़ेंगे हम, उसको ही यहाँ पे लिटरेचर के माध्यम से बताया गया है कि हम क्या इसमें पढ़ेंगे, तो यहां से तो कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट मेयर, जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, यूनिट जहां से स्टार्ट होती है वहां पर एक ना एक फोटो दे ही रखा है, एक जैसे रामदेव मिश्रा का, कैथरीन इसाओ का, तो ये सब फोटो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे कि डार्विन की जैसी उपाधि नहीं मिली कि डार्विन ऑफ द 20th century, एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपका, ये चीज पूछा गया है। जो रेड सेंटर लाइन है वो चीज एग्जाम में पूछी हुई है, और जो येलो सेंटर लाइन रहेगी वो एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बनती है। तो नेक्स्ट है, पहले हमने देखा था क्रैश कोर्स में कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है, आज जो उसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि दो स्पीसीज जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, उन्हें हम बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं। तो ये कहना था अर्नेस्ट मेयर का ही, तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये द लिविंग वर्ल्ड की ये जो पहली पैराग्राफ है, इससे कोई भी क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकता। अब इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, ऐसा क्या है जो लिविंग बींग के पास होता है और नॉन लिविंग उसको पजेस नहीं कर पाते। तो जैसे लिविंग बींग के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेटाबॉलिज्म की, ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट जिसको कंसियसनेस बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन की, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, वो सेल्फ इंट्रैक्ट कर पाते हैं, इमर्ज कर पाते हैं, तो ये सब जो प्रॉपर्टी होती है लिविंग की। तो लिविंग बींग के बारे में एक लाइन लिखी हुई है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब एक यहां से क्वेश्चन क्या बन सकती है कि ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? तो एक तो मास में इंक्रीज होना और एक नंबर में इंक्रीज होना। नेक्स्ट है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, सिंपल सी चीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है सेल डिवीजन से ही, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, हम इसे सेल काउंट कर सकते हैं विट्रो कल्चर वगैरह में। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर भी सेल डिवीजन वगैरह से ही ग्रो हो रहा है। फिर जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ देखी जाती है, एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ होता है। एक यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जितने भी हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग अलग होता है, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट है जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है वो माउंटेन बोल्डर्स और सैंड माउंट्स डू ग्रो, जैसे ये सब मैंने बताया था कि एक्यूमुलेशन होता है, ऊपर से सरफेस पे आकर कुछ चीज इकट्ठा हो जाती है, तो इसको ही बोलते हैं एक्रेशन। तो ये तीन चीजें यहाँ पर एग्जांपल दे रखी हैं। तो हम लिविंग प्रॉपर्टी उसे कहेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसे कहेंगे कि जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, जैसे ग्रोथ का एक्सेप्शन है जो हमने देखा माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड माउंट्स,
तो लिविंग बींग का जो प्रॉपर्टी है ग्रोथ का, वो इंटरनल अगर ग्रोथ हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं एक्सटर्नल वाले, तो इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग का। कैरेक्टरिस्टिक तो सारे हैं, जितने भी फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बस तीन है। एक तो मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कॉन्सियसनेस, और दो है नॉन डिफाइनिंग जो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब आते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन तो दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल से कुछ जो मेथड्स हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे फंजाई है तो फंजाई का एसेक्सुअल स्पोर्स ईस्टर हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था कि प्लेनेरिया में क्या होता है, तो ट्रू रिजनरेशन होता है। नेक्स्ट चीज फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटेनेमा ऑफ मॉसेस, ये फ्रेगमेंटेशन से इजिली मल्टीप्लाई कर पाते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा बैक्टीरिया, आप इसमें बता ही नहीं सकते इसमें ग्रोथ चल रहा है या रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो यहाँ एक्सेप्शन ये रहा रिप्रोडक्शन के लिए, तभी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो पाया, जैसे म्यूल्स, एस्ट्राइल्स, वर्कर वीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो ये रहे एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो हमारे अंदर जितनी भी तरह की केमिकल रिएक्शन बॉडी में एट ए टाइम चल रही है, जैसे हजारों केमिकल रिएक्शन अभी हमारे बॉडी में चल रही है, तो सबको अगर कंक्लूड कर दें तो उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, माइक्रोब्स हो, सब एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। ऐसी पूरी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, अगर वो लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगी वो। नेक्स्ट है कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम अगर आइसोलेटेड, अगर सेपरेट मेटाबॉलिक रिएक्शन हम चलवा रहे हैं कहीं बाहर किसी लैब वगैरह में, तो वो ना ही लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है। लेकिन हाँ, अगर हम विट्रो में वही रिएक्शन कुछ करवाते हैं तो लिविंग तो नहीं होगा ना ही नॉन लिविंग है, वो श्योरली लिविंग रिएक्शन होगा। वो जो रिएक्शन चल रहा है वो लिविंग होगा, क्यों? क्योंकि वो वैसा ही रिएक्शन है जैसे हमारे बॉडी में रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है, तो रिएक्शन को हम लिविंग बोलेंगे। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ का। ये क्वेश्चन आगे नीट में पूछा गया था कॉन्सियसनेस के बारे में, कि कॉन्सियसनेस मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि हमारा इन्वायरमेंट के साथ, सराउंडिंग के साथ सेंस कर पाना और उसको रेस्पॉन्स देना, तो ये हमारा एक फीचर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फीचर है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखें। नेक्स्ट प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स वगैरह को, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं चाहे प्रोकैरियोट्स हो या चाहे तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो, तो सारे कॉन्सियसनेस को पजेस करते हैं, सारे इन्वायरमेंटल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। फोटो पीरियड क्या होता है, लाइट का ड्यूरेशन, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, इस पे, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैज सेल्फ कॉन्सियसनेस। हमारे पास ही सिर्फ सेल्फ कॉन्सियसनेस है, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के पास कॉन्सियसनेस की लेवल है जो कि क्लाइमेक्स लेवल पे नहीं पहुंच पाती, हमारा टॉप लेवल का कॉन्सियसनेस है, हमें सेल्फ कॉन्सियस होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सियसनेस जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने देखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछ रखा है कोमा पेशेंट के बारे में, तो कोमा पेशेंट जो होंगे जो लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स पे हैं तो वो लिविंग होते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्सियसनेस होती है, क्योंकि वो मेडिसिन का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये तो जानते ही हैं आप कि कोई भी सेल है तो सेल से टिश्यू बनती है, तो जो टिश्यू का प्रॉपर्टी है वो सेल में नहीं है, जो ऑर्गेन का प्रॉपर्टी है वो टिश्यू में नहीं है, तो ये इंटरेक्शन से ये प्रॉपर्टी आती है। फिर बायोलॉजी की डिफिनेशन नीचे लिख रखी है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये लाइन सुनने में अच्छी लगती है, क्वेश्चंस आते नहीं है इससे। नेक्स्ट है टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्रैश कोर्स में हमने इस पे बात की थी टैक्सोनॉमी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे अर्थ पे टोटल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड कितने हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो हमारे अर्थ पे डिस्क्राइब कितने स्पीसीज हैं, कितने नोन स्पीसीज हैं, तो वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख स्पेसिस। दूसरी क्वेश्चन कि हमारे अर्थ पे स्पेसिस हैं कितने, तो वो अगर एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखें तो 7 से 8 मिलियन स्पेसिस हमारे अर्थ पे फिलहाल प्रेजेंट हैं, और हमेशा डिस्कवरी हो रही है स्पेसिस की,
तो इसको ही बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है कितने सारे प्लांट हैं, एनिमल हैं, एनिमल के स्पेसीज है, सारे लोकल नाम से बुलाए जाते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि पूरी दुनिया में वैसा ही एक नोमेनक्लेचर हो, एक नेमिंग सिस्टम हो। तो इसको लाया गया नोमेनक्लेचर को, आइडेंटिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन को। तो सीरियल वाइज चलती है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे दो बुक हैं, ICBN और ICZN, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ चुका है ICBN, ICZN, दोनों को मैंने इसलिए हाईलाइट किया, दोनों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे फिर आता है कि एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हो जिसमें कि दो नाम रखे गए, एक जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। इस चीज को बोला गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस ने यह चीज दी थी, प्रपोज किया था उन्होंने। नेक्स्ट इसमें एक मैंगो का एग्जांपल से बता रखा है कि मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है। नेक्स्ट यूनिवर्सल रूल है नोमेनक्लेचर के, ये चारों के चारों पॉइंट एनसीईआरटी में ही लिखी हुई है और डायरेक्ट एज इट इज ये क्वेश्चन नोट कर आई थी नीट में। तो पहली चीज, बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं जनरली लैटिन में होते हैं और लिखे जाते हैं ये इटैलिक्स में, चाहे कहीं का ओरिजिन हो लिखेंगे तो इटैलिक्स में। नेक्स्ट सेकेंड रूल है इसकी कि जो पहली वर्ड होती है वो जीनस बोलते हैं, सेकेंड जो वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। नेक्स्ट, जब हम किसी भी बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिख रहे होते हैं तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और जब हम उन्हें प्रिंट कर रहे होते हैं तो इटैलिक्स में उन्हें प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमें ये ओरिजिन शो करना है कि वो ओरिजिन कहाँ के हैं, तो वो लैटिन ओरिजिन होते हैं, इसलिए हम इसे प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में। नेक्स्ट है फोर्थ रूल, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और जो सेकेंड वर्ड है स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिन का मतलब ये जो ये है स्पीसीज है, इसे लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। तो नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे हम कोई भी स्पीसीज को उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर उसे कन्वीनियंस के आधार पे उसे हम कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसे बोल रखा है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए रखे हैं कि टैक्सा हम किन्हें बोलेंगे, तो टैक्सा हम हर एक को बोलेंगे, जैसे चाहे कैट हो, मैमल हो, एनिमल हो। तो टैक्सा और कब मैंने क्रैश कोर्स में अच्छे से बताया है, वहां आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। तो वहां पर टैक्सा और कैटेगरी की बात हुई थी, तो टैक्सा तो कुछ भी हो सकता है, टैक्सा हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन जो कैटेगरीज हैं वो फिक्स होती हैं, कैटेगरीज हमेशा इमेजिनरी होती हैं, और जो टैक्सा होते हैं वो रियल होते हैं। नेक्स्ट आगे टैक्सोनॉमी के बारे में लिख रखा है कुछ कुछ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है नियो सिस्टमैटिक्स के बारे में, जिसे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज भी बोलते हैं। जूलियन हक्सले ने इसे 1940 में प्रपोज किया था। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का ही पहले देखा जाता था, पहले तो एक्सटर्नल लेवल पे बात की जाती थी जो कि सिस्टमैटिक्स में। न्यू सिस्टमैटिक्स में खास बात क्या आई कि इसमें इंटरनल फीचर को भी जोड़ा गया। वो इंटरनल फीचर हैं क्या, तो किसी भी स्ट्रक्चर सेल का डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये इसेंशियल है किसी भी मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के। बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन आने की, ये जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं। नेक्स्ट है कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि टैक्सोनॉमी के लिए बेसिस है, तो वो है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी कोई नया नहीं है, पहले भी लोग अपने फूड के आधार पे, क्लोथ के आधार पे, शेल्टर के आधार पे इसका यूज करते रहे हैं। नेक्स्ट आती है बात सिस्टमैटिक्स की, तो सिस्टमैटिक्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके डाइवर्सिटी के साथ रिलेशनशिप देखा जाता था। सिस्टमैटिक्स में जो सिस्टम वर्ड है ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से आया है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। लिनियस ने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरा, इसमें एनिमल के बारे में लिखी हुई बुक है, और इसको आगे इनलार्ज किया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से इसको जोड़ा गया। ये इसकी खास बात रही कि इसको फिलोजेनी से जोड़ा गया इवोल्यूशन के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारी टॉपिक आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन सिर्फ एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत सारे स्टेप आते हैं, तो इसमें हर एक स्टेप को कैटेगरी बोला जाता है, या कहें तो रैंक बोला जाता है। रैंक मैंने बताया था उसमें अच्छे से क्रैश कोर्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितने भी कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरी होते हैं टोटल, जिन्हें ऑब्लिगेट कैटेगरी या ब्रॉड कैटेगरी बोला जाता है, तो 7 को अगर इंक्लूड कर दें तो बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसमें हर एक कैटेगरी
यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। सात कैटेगरी में से आप किसी को भी उठा लो, स्पेसिस को, जीनस को, ऑर्डर को, फैमिली को, किंगडम को आप उठा लो, तो वो कोई भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो वो स्पेसिस होगा। आगे बात करते हैं कि ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। जैसे ऊपर की जैसे किंगडम है और इधर ले रहे हैं एनिमेलिया, तो वो रैंक हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये जो लिख रखा है एक और लाइन नीचे इंपॉर्टेंट है कि जो सात कैटेगरी उसके नाम लिख रखे हैं। आगे हम बढ़ते हैं स्पेसीज के बारे में, जो सात टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं तो एक एक कर एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसमें जितने एग्जाम्पल हैं आपको तो वो याद रखना है, चाहे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका हो, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम हो, लॉयन का पैंथेरा लियो हो। और भी नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये सोलेनम नाइग्रम जो है मैकोई का है, एनसीईआरटी के मॉर्फोलॉजी के फोटो में दे रखा है ये लास्ट वाली जो जितने भी फैमिली है उसमें। नेक्स्ट है मेलोनजेना, ये ब्रिंजल के लिए आता है, होमोसैपियंस ह्यूमन बींग्स के लिए है। तो ये चीजें हैं पूछी जा सकती हैं। और ये चीजें तो पूछी गई थी कि जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन टू स्पीसीज, स्पीसीज से ज्यादा कैरेक्टर जीनस के पास होता है। सोलेनम है, और फिर इसमें सोलेनम जीनस का नाम है यहाँ पे, फिर यहाँ पे पैंथेरा जीनस है जिसमें कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस आते हैं, फिर आती है जीनस फेलिस जिसमें कैट आता है। एग्जाम्पल आपको एज इट इज एनसीईआरटी की याद रखने हैं। नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली जो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को बोलते हैं। इसमें फैमिलीज की जो कैरेक्टराइजेशन होती है, फैमिली किस बेसिस पे कैरेक्टराइज की जाती है, तो इसमें दो फीचर्स किसी भी प्लांट स्पेसिस के लिए जाते हैं, एक तो वेजिटेटिव फीचर और एक रिप्रोडक्टिव फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट एक फैमिली है सोलेनेसी, इसमें तीन चीजें आती हैं, जीनस सोलेनम, पिटूनिया और धतुरा। तो ये सब आगे लिख रखा है। जैसे फैमिली है फेलिडी, इसमें कैट वगैरह आते हैं, लेपर्ड वगैरह आते हैं, लॉयन टाइगर लेपर्ड वगैरह। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फेलिडी कैनेडी ये सब जो होते हैं फैमिली है। नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर है, ऑर्डर में एक आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखना है कि इसमें एक ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स में दो फैमिलीज आती हैं, एक तो कॉन्वोल्वुलेसी, एक सोलेनेसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज इट इज याद रखें इसको। इसे बेस्ड जो किया गया, बेसिस रही इसकी फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लास, क्लास जो होता है, जैसे कोई क्लास हम मैमलिया ले रहे हैं तो मैमलिया में कौन कौन सा ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर प्राइमेटा आता है और ऑर्डर कार्निवोरा आता है। नेक्स्ट है फाइलम, फाइलम जो हम देख रहे हैं जितने भी फाइलम हम एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं फाइलम, तो वो सब सब फाइलम को इंक्लूड कर यहाँ पर दे रखा है। इसमें कुछ कुछ फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। इन केस ऑफ प्लांट के बारे में तो मैंने बताया ही था, प्लांट को डिवीजन के डिवीजन बोलते हैं, और अगर एनिमल का केस ले रहे हैं तो वहां पे फाइलम यूज किया जाता है। किंगडम है तो किंगडम दो होते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। मैंने बताया है कि इसे ब्रॉड कैटेगरी पे बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। ये चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि अरेंजमेंट करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में अरेंजमेंट दी जाती थी, चार ऑप्शन दिए होते थे, तो आपको एज इट इज ये याद रखनी है। ट्रिक मैंने बताया था, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक्स से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो यहां पर दे रखा है कि जैसे आप स्पेसिस से किंगडम की तरफ बढ़ते हो तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिक्रीज होने लगती है, और जो सबसे छोटे टैक्सा होते हैं वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है कम होती है, और जैसे ही हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है ये चार्ट, ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स 100% चांसेस बनते हैं अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो यहां से आए, नहीं तो टैक्सोनॉमी का लेट जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो इसमें मैन, हॉर्स फ्लाई, मैंगो, वीट, और एक पहले एग्जाम्पल थी तुलसी की। तुलसी का जैसे बायोलॉजिकल नेम जो होता है ऑसिमम सैंक्टम, जीनस ऑसिमम होगा, फैमिली जो होती है लैमियसी, और ऑर्डर लैमियल्स। यहां तक तो पूछा जाता है, ये पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी में थी इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो ये चार्ट एज इट इज आप याद रखें, क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रोबेबिलिटी बनती है कि फिर से नेक्स्ट कोई फैमिली ऑर्डर में से पूछा जाए। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल एड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट के लिए, हर टॉपिक से लगभग इसके क्वेश्चन जितने भी हैं जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, सबसे क्वेश्चन की में पूछे जा चुके हैं, और क्या आने वाली है ये भी मैं बताऊंगा। टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या होता है कि जितने भी स्पेसिमेन वगैरह हैं प्लांट के, एनिमल के, हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर स्टडीज के लिए। तो इसमें जो प्राइम सोर्स होता है किसी भी टैक्सोनॉमिक स्टडीज का, तो वो होता है कि हम किसी भी प्लांट या एनिमल के जब स्पेसीज को जब
कलेक्ट करें तो वो एक्चुअल स्पेसिमेन होना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर स्टडी में हम उसका यूज कर पाए। हर्बेरियम, ये क्वेश्चन इससे पूछी गई थी। हर्बेरियम की मानो तो आप हर एक लाइन से क्वेश्चन आ चुकी है। पहली लाइन है कि हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। मैंने बताया था ड्राई, तो ड्राई गार्डन भी ड्राई स्पेसिमेन इसमें यूज किए जाते हैं। प्रेस करते हैं, फिर उसको सीट पे प्रिजर्व करते हैं। 29x41 सेंटीमीटर की सीट होती है और उसको हम अरेंज करते हैं जो बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सिर्फ नाम दे रखा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो हर्बेरियम सीट है जो फ्यूचर यूज में हम यूज करेंगे, तो उस पर लिख रखा क्या होता है, ये आई थी 2016 में शायद, एज इट इज आई थी यही लाइन कि द हर्बेरियम सीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बोटेनिकल नेम, और साथ में फैमिली और कलेक्टर्स नेम को इसमें लिख रखा होता है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्विक रेफरल सिस्टम होता है कि हम इजी वे में इसकी स्टडी कर पाए। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन जो होता है उसमें लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं कि बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट होते हैं उसमें क्या लिखा होता है वहां पे, जो टैग होती है। तो एक तो बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम, दोनों में से कुछ लिखा रखा हो सकता है, चाहे तो दोनों लिखे हो सकते हैं, और उसके साथ ही उसकी फैमिली का नाम क्या है। नेक्स्ट, ये जो लोकेशन है कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिर रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड, ये सब डायरेक्ट एज इट इज याद रखें। नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम से एक लाइन आई थी नीट 2013 में कि म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल टू। वहां पर दे रखा था कि म्यूजियम में क्या जो कलेक्शन होती है फोटोग्राफ्स की एनिमल्स के, तो वहाँ कलेक्ट, वहाँ क्यों होगी किसी भी फोटोग्राफ, वहां तो डायरेक्ट एज इट इज रखी जाती है ना स्केलेटन, आपने स्कूल्स वगैरह में देखे होंगे। और फिर एक इंसेक्ट और लार्जर एनिमल के बारे में दो पॉइंट है। इंसेक्ट को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर मारा जाता है, फिर उसमें पिनिंग की जाती है। कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, एज इट इज याद रखें। लार्जर एनिमल्स को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते ऐसे ही, तो पहले उनमें स्टफिंग की जाती है, तब जाकर उन्हें प्रिजर्व किया जाता है बर्ड्स या मैमल्स वगैरह के केस में। जूलॉजिकल पार्क्स, जू, तो इसमें हम फूड हैबिट्स या बिहेवियर क्या होता है किसी भी एनिमल का, तो वो हम देखते हैं। बच्चे जब जाते हैं पार्क तो बहुत ही अट्रैक्शन के साथ वो देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल वैसे ही हैबिटेट में रखा जाता है जो उनकी नेचुरल हैबिटेट होती है। तो ये सब कुछ फोटो दे रखे हैं हर एक नेशनल पार्क वगैरह के। ये की से आज तक तो एक ही क्वेश्चन बनी है कि की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस दे रखा था। इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ये आप देखो। एक तो कपलेट, एक लेड, दोनों में से, तो कपलेट दो स्टेटमेंट, लेड जो एक बजता है, पेयर में जो होगी वो कपलेट होगी और जो एक बजता है वो लीड। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। और सेपरेट टैक्सोनॉमिक की होती है, फैमिली के लिए अलग, जीनस के लिए अलग और स्पेसीज के लिए अलग। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, आपको मिल सकता है ऑप्शन में कीज आर जनरली नॉन एनालिटिकल इन नेचर। तो ये हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, तो की को अंडरलाइन करें। की हमें एक लिंक देती है कि आगे क्या होगा। दो स्टेटमेंट होंगे, उसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है, एक को रिजेक्ट करना होता है। लास्ट हमारी ये टॉपिक है कुछ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस के लिए, चार ये टॉपिक है, छोटी छोटी लाइन है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स। इसको मैंने क्रैश कोर्स में बता रखा है अच्छे से। तो यहाँ पर आपको लाइन पहचाननी कैसे है, आएगी तो लाइन एनसीईआरटी की आएगी कि फ्लोरा के बारे में, मैनुअल्स के बारे में, मोनोग्राफ या कैटलॉग के बारे में कौन सी लाइन लिखी हुई है। पहली चीज मैं फ्लोरा आपको बता रहा हूँ। फ्लोरा कोई इंफॉर्मेशन बुकलेट होती है कि कोई भी प्लांट का, कोई भी प्लांट के स्पेसीज का हैबिटेट कहाँ है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। इसके साथ जैसे सीजनल चेंज हो रही है तो फिर प्लांट कहाँ है, तो वहां मेनली आप याद रखें हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें मिल जाता है कि उसकी हैबिटेट कहाँ है प्लांट की और वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस एरिया में है वो, तो हम लगाएंगे कि ये फ्लोरा जाएगा ऑप्शन। सेकंड चीज, इसमें इंडेक्स दी हुई रहेगी, फ्लोरा में इंडेक्स, जैसे कोई भी बुक होती है तो उसमें शुरू में इंडेक्स दी होती है, तो इसमें आपको इंडेक्स मिलेगा। तो अगर दो लिंक आपको दे रहा हूं मैं कि अगर आपको डेफिनेशन में मिल जाए हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा इंडेक्स किसी भी प्लांट स्पेसीज का, तो आप टिक लगाओगे, फ्लोरा में जाओगे आंसर। नेक्स्ट है सेकंड, मैनुअल। मैनुअल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज, आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका बताता है मैनुअल्स।
तो मैनुअल्स में आ गई कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है किसी भी स्पेसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए। थर्ड है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ तो सिंपल सा है, मोनो का मतलब एक होता है, तो मोनोग्राफ किसी भी एक टैक्सोन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। लास्ट है कैटलॉग। कैटलॉग तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। कैटलॉग में किसी भी बुक, किसी भी ऑथर, किसी भी एडिशन के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन होती है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये कैटलॉग होता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड यहाँ पे है जो पूरी तरह से हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देती है, पूरी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन देती है, तो वो है मोनोग्राफ। ये आप याद रखें। लास्ट एक समरी में एक पॉइंट मिलती है कि टैक्सोनॉमिस्ट आखिर क्या यूज करते हैं, तो मैनुअल्स और मोनोग्राफ का वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उससे वो प्रिपेयर करते हैं आगे टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए। तो ये यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये हमारा एनसीईआरटी का ब्रीफ रिवीजन भी यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम आगे ऐसे ही सीरीज इसकी बनाते रहेंगे एनसीईआरटी वाली। तो एनसीईआरटी की टोटल 38 सीरीज बनेगी और हमारा क्रैश कोर्स तो वैसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।